Hello kids, a very warm welcome to all of you. Myself Vansika and I am back again with a general knowledge class. So are you all ready for the class? Okay, let's start now. So today ma'am is going to teach you chapter number 11, birds. Aaj hum padhenge birds ke bare mein. So are you all ready? Okay, let's open your GK book, page number 15 and chapter number is 11. Choose the name of the bird and write below the picture. Its picture and description. अब आपको क्या करना है, आपको वो बर्ड को, बर्ड का नेम बताना है, आपको पिक्चर भी रिकॉग्नाइज करनी है एंड उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे. आपको उसको भी देखना है और फिर पहचानना है कि वो बर्ड कौन सी हो सकती है एंड फिर हमें उसका नेम लिखना है. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, नंबर वन, इट इज अ लार्ज बर्ड ऑफ प्रे. इट हैज अ हुक्ड बिल, पावरफुल कर्व्ड टैलेंट्स and long wings. It builds a nest of sticks called an eyrie. अब सुनो, ये एक बहुत बड़ी बर्ड है प्रे की, मतलब जो शिकार करती है. It has a hooked bill, मतलब जिसकी शेप कैसी होती है, हुक के जैसी होती है. Powerful curved talons, talons होते हैं जो पंजा होता है ना उनका, birds का वो. And long wings, बड़े बड़े उसके wings होते हैं. It builds a nest of sticks called an eyrie. वो अपना जो नेस्ट है जहाँ पे वो रहती है वो स्टिक्स मीन्स डंडियों से बनाती है जिसे कहते हैं eyrie. तो ये वाली बर्ड कौन सी है, अ बर्ड ऑफ प्रे दैट हैज अ हुक बिल, पावरफुल कर्व टैलेंट्स एंड लॉन्ग विंग्स एंड द नेम ऑफ द बर्ड इज ईगल. कौन सी बर्ड है वो, ईगल, ई ए GLE. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ लार्ज पिंक और पिंकिश वाइट बर्ड फाउंड नियर लेक्स एंड सीज. ये एक बहुत बड़ी बर्ड है जो कि पिंक या फिर पिंकिश से कलर की होती है, वाइट कलर की बर्ड होती है जो कि नदी और समुद्रों के पास पाई जाती है, जिसकी लॉन्ग और कर्व नेक होती है, मतलब लंबी और ऐसे कर्व. देखो कितनी सुंदर नेक है ना, पिंक कलर की है बर्ड, लॉन्ग और कर्व नेक है, बड़े बड़े विंग्स हैं और बहुत लंबी लंबी उसकी लेग्स है विद वेब्ड फीट. वेब मतलब होते जाली वाले फीट होते हैं, उसके जालीदार फीट होते हैं. एंड द नेम ऑफ द बर्ड इज फ्लेमिंगो. कितनी सुंदर बर्ड है ये, है ना, नेम क्या है इसका, फ्लेमिंगो, नेम भी बहुत सुंदर है. चलो नेक्स्ट, थर्ड वन, It has a long bill that flattens at the end to look like a spoon, which helps it to catch tiny fish. ये एक बहुत बड़ी बर्ड है जिसके आगे से जो बीक है ना, ये देखो ये स्पून की जो शेप होती है ना हमारे, वैसी है. ये देखो आगे से ऐसी है, उसके बाद ये ऐसी शेप है, स्पून की तरह शेप है, जिससे क्या होता है जो टाइनी जो छोटी छोटी फिशेज होती है ना, ये उसको स्पून में उठाती है, स्पून की तरह शेप का फेस होता है इसका, मतलब आगे बीक होती है, तो उसमें से उसे उठाती है और उसे खा जाती है. ठीक है, तो इस बिल का, इस बर्ड का नेम क्या है, ये आपको हेल्प करेगा, स्पून वर्ड से ही पता लगता है, स्पून बिल. बर्ड का नेम क्या है इसका, स्पून बिल. रिटन, ओके, इट इज द लार्जेस्ट बर्ड. अब ये एक बहुत बड़ी बर्ड है, बिग है, लार्जेस्ट है. इट लिव्स इन ग्रुप्स ऑन सैंडी प्लेन्स. ये ग्रुप्स में रहती है, मतलब अपने साथ और भी साथियों के साथ रहती है सैंडी प्लेन्स में, जहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी होती है वहाँ पे. एंड इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, जो कि उड़ नहीं सकती है एंड बट रन्स वेरी फास्ट, लेकिन भागती बहुत तेज है. और इस बर्ड का नेम है ऑस्ट्रिच. कौन सी बर्ड है जो सबसे तेज भागती है लेकिन उड़ नहीं सकती, ऑस्ट्रिच. ठीक है, डन. नेक्स्ट, इट इज द फास्टेस्ट डाइवर. इट डाइव्स एट अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर. ये बहुत तेज उड़ने वाली बर्ड है जो कि 360 किलोमीटर पर आवर में उड़ सकती है. 360 किलोमीटर पर आवर ये उड़ती है. ये कौन सी बर्ड है एंड द नेम ऑफ द बर्ड इज पेरिग्रिन फाल्कन. नेम ऑफ द बर्ड इज पेरिग्रिन फाल्कन, पी ई
P-E-R-E-G-R-I-N-E, peregrine falcon, F-A-L-C-O-N, ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज द लॉन्गेस्ट लेग्स ऑफ ऑल बर्ड्स. ये सभी बर्ड्स में से इसकी जो लेग्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, मेजरिंग 31 टू 35 सेंटीमीटर्स. 31 से लेकर 35 सेंटीमीटर्स के बीच तक की इसकी लेंथ होती है इसकी लेग्स की. एंड इट ऑल्सो हैज लॉन्ग नेक एंड बिल. इसकी लेग नेक जो भी और बिल जो होता है बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग होता है. एंड फीड्स ऑन फ्रॉग, स्नेल, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. और ये क्या क्या खाती है? फ्रॉग्स खाती है, स्नेल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स को खाती है. एंड द नेम ऑफ द बर्ड इज सॉरस क्रेन, S A U R U S, Saurus Crane, C R A N E, Saurus Crane, ठीक है. अब आपको पता लगा. अब आपको पेज नंबर 1515 पर चैप्टर नंबर 11 बर्ड्स का कंप्लीट करना है. मैम के साथ साथ ही आप वर्क कंप्लीट करेंगे ताकि बाद के लिए हमारे पास इतना सारा वर्क नहीं होगा, ठीक है. वर्क कंप्लीट करेंगे एंड लर्न करेंगे. होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. Thank you.